ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आई एम केशव योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ चैप्टर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी कर रहे थे। सो आपको ध्यान होगा रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हमारे पास में, हुज, विच, दैट, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमें जाना था कि पैसे तो पहले बताओ प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने स्टडी किया था, ए प्रोनाउन विच जॉइंस टू सेंटेंसेस एंड विच इज रिलेटेड टू द एंटीसीडेंट नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एक रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, और वो किससे रिलेटेड होते हैं, एंटीसीडेंट नाउन से। जो नाउन पहले आया हुआ है उसी से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो कल तक हमने हमारा जो फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है हु, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम सेकेंड वाला जो हुम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ए, इट इज़ यूज इन कंटेक्स्ट टू हुम, इसका प्रयोग किया जाएगा कंटेक्स्ट में, किसका, हुम में। इट इज़ यूज फॉर पर्सन, हुम का यूज हमेशा पर्सन के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको हु के बारे में बताया कि हु का प्रयोग केवल और केवल पर्सन के लिए किया जाता है, इसी तरीके से हुम का प्रयोग भी केवल पर्सन के लिए किया जाता है। सी आएगा, इट इज पुट बिफोर सेकेंड सेंटेंस इन प्लेस ऑफ हिम, इसका प्रयोग आपको सेकेंड सेंटेंस में करना होगा हिम के स्थान पर, हिम, हर और देम के स्थान पर, टू एक्ट एज ए कनेक्टिव, कनेक्टिव के एक्ट के आधार पर, मतलब कि जोड़, जब जोड़ते हैं ना दो वर्ड दो सेंटेंस को, उसके बेस पर आपको हिम, हर और देम के स्थान पर इसको रखना होगा। डी देखिए, इट इज़ यूज एट ऑब्जेक्टिव केस फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और यह है ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में यूज किया जाता है। पहला सेंटेंस देखिए, द बॉय हुम यू टीच इज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय whom you teach is very intelligent। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रोन, फर्स्ट कौन सा है हमारे पास में, the boy, उसके बाद में क्या आया, डैश, उसके बाद में you। अब हमने यहाँ पर ये whom किससे रिलेटेड है, whom रिलेटेड है you से, किससे रिलेटेड है you से, वो लड़का जिसे तुमने पढ़ाया, तुमने किसको पढ़ाया, उस लड़के को, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर whom the boy से रिलेटेड है। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिएगा, द बॉय हुम यू टीच इज वेरी इंटेलिजेंट, अब यहाँ पर हुम किससे रिलेटेड है, यहाँ पर हुम द बॉय से रिलेटेड है। द बॉय लड़का, हुम जिसे यू टीच तुम पढ़ाते हो, इज वेरी इंटेलिजेंट, वो क्या है, वह बहुत होशियार है। सेकेंड वाला देखिए, द वुमेन औरत हुम जिसे यू हेल्प, जिसकी तुमने क्या की, सहायता की, इज ए सोशल वर्कर, वो क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सेकेंड वाले सेंटेंस में हम हुम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वुमन के लिए, क्यों, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ उस वुमन के बारे में जिसकी तुमने सहायता की, ठीक है। तो नोट देख लीजिएगा, वाई हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर लिविंग नाउन्स, लिविंग नाउन्स, मतलब हु और हुम का प्रयोग हमेशा लिविंग नाउन्स के लिए किया जाएगा, मतलब कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनके लिए हु और हुम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर आई नो द बॉय हु स्टोल माय बुक, मैं उस लड़के को जानता हूँ हु जिसने कि मेरी पुस्तक चुराई, तो यहाँ पर हु किससे रिलेटेड है, वॉइस है, किससे रिलेटेड है, वॉइस है। सेकेंड वाला देखिए, आई नो द मैन हु आर देयर, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कि वहाँ पर है। अब यहाँ पे हु का प्रयोग जो किया जा रहा है वो लिविंग नाउन्स के लिए किया जा रहा है, वो है क्या है, लड़का, ओबियसली लड़का जीवित रहता है, ठीक है। मैन क्या है, मतलब कि तो चलती रहती है ना चीज़ें, जीवित, उन्हें कहा जाता है लिविंग नाउन्स, ठीक है। मैन क्या है, एक आदमी, आदमी क्या है, लिविंग नाउन्स, तो लिविंग नाउन्स से पहले हमने किसका यूज किया, हु का, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, द मैन हुम आई हेल्प डिस्कवर डिसीव्ड मी, यहाँ पे देखो हुम किसके लिए आया है, दी मैन के लिए, और दी मैन क्या है, लिविंग नाउन्स, तो लिविंग नाउन्स से पहले हम किसका यूज करते हैं, हु एंड हुम का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस, The book whom I bought is interesting। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में बुक है, ठीक है, लेकिन बुक के बाद में whom आया है, लेकिन बुक क्या है, नॉन लिविंग नाउन्स है,
बुक लिविंग नाउन्स नहीं है ना, तो बुक क्या है? नॉन लिविंग नाउन्स. तो नॉन लिविंग नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? या तो दैट का प्रयोग करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? हुम का. लेकिन हुम का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? लिविंग नाउन से पहले. तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है. इसका दूसरा वाला देखिए, फर्स्ट का, द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया है किसके लिए? बुक के लिए. बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि दैट का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन्स के लिए किया जाता है. तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है. इसी तरीके से सेकंड वाला देखिए, द चेयर हु इज हेयर इज कंफर्टेबल. तो देखिए यहाँ पे हु का यूज किया गया है. हु किसके लिए यूज किया गया है? चेयर के लिए. चेयर क्या है? नॉन लिविंग नाउन्स, मतलब कि जो जीवित नहीं होते हैं ना, चेयर्स. अब चेयर को चलती फिरती थोड़ी ना है. ठीक है, तो उसके लिए हम किसके यूज करते हैं? दैट का. लेकिन यहाँ पे हु का यूज किया गया, तो इस वजह से सेंटेंस हमारा क्या है? रॉन्ग है. इसका सेकंड देखिएगा, द चेयर दैट इज हेयर इज अनकम्फर्टेबल. तो चेयर के साथ में किसके यूज किया गया? दैट का. और दैट किसके लिए आता है? नॉन लिविंग नाउन्स के लिए. तो नॉन लिविंग नाउन्स से पहले यदि दैट का यूज किया गया, तो ये क्या है? हमारा बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हुम का प्रयोग किया है. तो हुम का व्यवहार समझ लीजिएगा, लिविंग नाउन से पहले हम हुम का या हु का यूज करते हैं. ठीक है, थर्ड वाला देखिए, हुज. इट इज यूज्ड फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब कि हुज का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए और जो जीवित प्राणी नहीं होते ना, उन चीज़ों के लिए भी किया जाता है. ठीक है, जो चीज़ें होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि स्टूल है, चेयर है, पेन है. ठीक है, इनके लिए हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज भी कर सकते हैं. इसका बी वाला देखिए, इट इज़ आल्सो यूज आफ्टर एंटीसीडेंट ऑफ नाउन. मतलब कि यह उस नाउन के एंटीसीडेंट के बाद में भी किया जाता है. ठीक है, कैसे वो आपको नीचे बता देते हैं हम. दिस इज द मैन. अब मैं यहाँ पे देखो, द मैन, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसका फादर इज ए फेमस डॉक्टर. हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी. ध्यान रखना, हुज का मतलब क्या होता है? जिसका या जिसकी. ठीक है, दिस इज द मैन, यह वो आदमी है हुज फादर इज ए फेमस डॉक्टर, जिसका पिताजी क्या है? एक फेमस डॉक्टर है. तो यदि मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकेट आ जाता हुज की जगह, तो हम कैसे करते इसे? दिस इज द मैन डैश फादर इज ए फेमस डॉक्टर. अब हम सेंटेंस को यदि रीड आउट करेंगे तो इसके भाव को समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर किसके ये प्रयोग करना है. दिस इज द आदमी, यह वो आदमी है जो फादर है ए फेमस डॉक्टर का. नहीं, सेंटेंस गलत हो रहा है मेरा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं कर सकता और हुम का प्रयोग नहीं कर सकता. हुज का प्रयोग करके चेक करके देखता हूँ मैं. देखिए, दिस इज द मैन हुज फादर इज ए फेमस डॉक्टर. वो आदमी जिसका पिताजी है एक फेमस डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग जो बिल्कुल सटीक है. ठीक है, सेकंड वाला देख लीजिएगा, दैट इज द ओल्ड कार. वह ओल्ड कार है जिसके पार्ट आर नॉट अवेलेबल, जिसके पार्ट कोई भी अवेलेबल नहीं है. तो जिसका या जिसकी के अर्थ में हम हुज का प्रयोग करेंगे, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो. तो दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हुज का प्रयोग करेंगे. थर्ड वाला भी देख लीजिएगा, कैन यू टेल मी अबाउट द बॉय. क्या तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता सकते हो हुज जिसका बैग हैज बीन स्टोलन, जिसका बैग चोरी हो चुका है. तो यहाँ पर हुज का प्रयोग किया मैंने बॉय के लिए. ठीक है, दे कुड नॉट हेल्प द मैन हुज हाउस वाज बर्न्ड. वे उस आदमी की सहायता नहीं कर सके जिसका घर जल गया था. तो ठीक है, जिसका या जिसकी के लिए हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे. और हुज का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स और ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज किया जाता है. ठीक है, हुज तक हमने कंप्लीट कर लिया है. विच एंड दैट हम कल कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद में फिर एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे. तो एक बार हुम और हुज, इन तीनों को चेक करके देख लीजिएगा. कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, इन दैट केस प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा. वी विल डिस्कस अबाउट इट. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट ऑफ यू.